हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डी बी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भी दो मतभेद चल रहे हैं। किन्हीं पेंशनर्स को यहां पर 75 वर्ष पूरी होने पर 20% एडिशनल पेंशन दी जा रही है। हाँ जी, जो भी न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं, न्यायिक जो क्षेत्र में हैं, और वो रिटायर हो जाते हैं, वो पेंशनर बन जाते हैं, तो उनको 75 साल से ही 20% पेंशन का फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। आप लोग जाके चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। जो भी न्यायिक प्रक्रिया में पेंशनर्स हैं, उनको जैसे ही 75 साल होती हैं 25% मिल जाता है। अब ये नेम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं है? कोई है पूछने वाला? ये मुद्दे हैं जो कि जाने चाहिए, जिनको आप लोग शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, भेजो आगे तक करो। भाई, जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, जो भी हम लोग पढ़ते हैं पूरे दिन इसके ऊपर, जो भी हम जिन भी लोगों की मदद करते हैं, तो उनसे कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता है, और वही सीख मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, ये मैं ही एक अकेला आदमी नहीं हूँ जिसकी मांग कर रहा हूँ, लाखों करोड़ों लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि आप जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको आप 79 से भी नहीं दे रहे, 80 में प्रवेश होते हैं तब भी नहीं दे रहे, 80 पूरी होने के बाद 81 में जब वो जाते हैं तब लोग वहाँ पर पेंशन दी जाती है, 20% एडिशनल पेंशन की जाती है। तो जो संसदीय समिति है उसने तो ये कहा है कि आप 65 साल पूरी होने पर 5% बढ़ा दीजिए, 5% 5-5 साल बाद बढ़ा दीजिए, तो भी हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ एक साथ आप 20% बढ़ा रहे हो, यहाँ 5% भी नहीं बढ़ा पा रहे, जबकि इसके लिए हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। मद्रास हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और दिल्ली कैट के फैसले ये आ चुके हैं कि आप पेंशन भोगियों को 79 शुरू होते ही 20% एडिशनल पेंशन दे दीजिए, लेकिन उसको भी यहाँ पर नकारा जा रहा है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं देखिए, कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी चाहे राज्य कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी सही, राज्य कर्मचारियों को तो बेचारों को कुछ भी मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो बहुत फिर लेट और मिलता है उसमें, उनको तो बहुत बहुत लेट मिलता है। डीए हो गया कब का, मिल कब रहा है, क्या होगा कोई पता नहीं। तो देखिए, ये चीज़ जो है वो ऐसी हैं जिनको मुद्दे पर जिस पर बात करनी चाहिए और उसको उजागर करना चाहिए और मीडिया के सामने ये चीज़ आनी चाहिए। देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। अब चुपचाप पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, वीडियो को शेयर भी नहीं करोगे, आप अपनी बात कहोगे भी नहीं, तो फिर कौन किसकी बात सुनेगा? सब ऐसे ही चल रहा है, ढप्पा डेरी। चलिए फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ। मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।